हेलो फ्रेंड्स, माय फूड कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ राजस्थानी स्पेशल बेसन गट्टे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 250 ग्राम बेसन ले लिया है। इसमें हम स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे, 1/4 चम्मच हल्दी डाल देंगे, 1/4 चम्मच ही धनिया पाउडर डाल देंगे, 1/4 चम्मच जीरा डाल देंगे और 1/4 चम्मच अजवाइन डाल देंगे हाथ से क्रश करके, 1/4 चम्मच रेड चिली पाउडर डाल देंगे और थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल देंगे। इन सबको हम अच्छे से बेसन में मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम 2 चम्मच ऑयल डाल देंगे और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका टाइट डो रेडी कर लेंगे। अभी हमारा डो रेडी हो गया है। हाथ पे हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और इस डो को हम छोटे छोटे पोर्शंस में कट कर लेंगे। अब हम ये एक पोर्शन ले लेंगे, इसे हम पहले बॉल की तरह राउंड कर लेंगे और फिर इसी तरह से हम इसे गट्टे की शेप दे देंगे। देखिए इस तरह से हम बाकी भी रेडी कर लेंगे। ये सारे हमने रेडी कर लिए हैं, अब हम इन्हें कुक करेंगे। इन्हें हम पहले गर्म पानी में डाल देंगे। अब इन्हें हम गर्म पानी में ही कुक करने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए इसके ऊपर वाइट दाने भी आने स्टार्ट हो गए हैं, इसका मतलब ये कुक हो चुके हैं। इन्हें हम निकाल लेते हैं और इसका जो बचा हुआ पानी है इसे हम बाद में यूज़ करेंगे। ये मैंने 1/2 कप दही ले लिया है। इसमें हम स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे, 1/4 चम्मच हल्दी डाल देंगे, 1/4 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच ही रेड चिली पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हमारा दही का मिक्सचर रेडी हो गया है। अब हम गट्टों को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। अब हम तड़का रेडी करेंगे। 1/4 चम्मच इसमें जीरा डाल देंगे, थोड़ी सी हींग डाल देंगे और इसे थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे। 1 चम्मच इसमें चॉप की हुई जिंजर और गार्लिक ऐड कर देंगे। दो बारीक कटी हुई इसमें हरी मिर्च डाल देंगे। अब हम इसमें 2 बारीक कटे हुए प्याज ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से हम पका लेंगे। अब ये प्याज इसमें अच्छे से पक चुका है। इसमें हम दही और मसाले का मिक्सचर जो हमने रेडी किया था वो ऐड कर देंगे और इसे हम लगातार चलाते हुए जब तक ऑयल सेपरेट ना हो जाए तब तक हम पका लेंगे। अब इसमें से ऑयल सेपरेट हो गया है, इसमें हम गट्टे ऐड कर देंगे। अब इसमें हम जो हमने पानी बचा कर रखा था वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर अच्छे से कुक कर लेंगे जब तक ये थोड़ी सी थिक कंसिस्टेंसी में ना आ जाए।
अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, ये थोड़ी सी थिक भी हो गई है। अभी हमारी गट्टे की सब्जी बनकर एकदम तैयार है। अभी हमारी गट्टे की सब्जी सर्व करने के लिए एकदम रेडी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।